नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके बीच में TGT साइंस बैच की एक छोटी सी क्लास लेकर के। पिछली क्लास में आप ये देख रहे थे कि जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, उस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम दो भागों में बांट रहे थे। कौन कौन से भाग थे? एक एवरेज वेलोसिटी थी, जिसे हम औसत वेग कहते हैं, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। इसे हम औसत वेग कहते हैं और इसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये इसे हम तात्कालिक वेग कहते हैं। और पिछली क्लास में हम इस पर डिस्कशन कर भी चुके थे कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग हम क्यों निकालते हैं, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे औसत वेग की। देखिए, औसत वेग की जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, वैसे ही चर्चा आप कर सकते हैं औसत चाल की। ठीक है, बस हमने कहा था कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों बातें आपस में बराबर होंगी, चाहे आप औसत चाल कहिए चाहे आप औसत वेग कहिए। किसी भी यात्रा में ओवरऑल टोटल कितना विस्थापन है और कितना समय है, उन दोनों का जो रेशियो है उसे हम औसत वेग कहते हैं। यानी किसी यात्रा में कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल विस्थापन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। ओके, अब जैसे देख लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ आपने इस तरह से मोशन करी, मोशन आपने किसी बॉडी को कराई है इस तरह से, और इतने हिस्से में d1 स्पीड है, d1 डिस्प्लेसमेंट है, ये d2 डिस्प्लेसमेंट है और ये d3 डिस्प्लेसमेंट है। ये टाइमिंग t1 है, ये टाइमिंग t2 है, ये टाइमिंग t3 है। फाइनल डिस्टेंस कितनी है? d। फाइनल डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितना है? d। तो इस स्थिति में हमें पूछा जाता है औसत वेग बताइए। तो सिंपल, औसत वेग बराबर हम कह सकते हैं, औसत वेग बराबर कुल दूरी या कुल विस्थापन अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। या इसे हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, d1 प्लस t2 प्लस t3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरह से। अब कभी कभी क्या होता है, इस तरह की बातें नहीं दी होती हैं, इस तरह की बातें दी होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v1, यहाँ से यहाँ तक v2, यहाँ से यहाँ तक की v3 है, और अब हमें बताना है कि क्या टोटल, क्या एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इसी स्थिति में फिर आ जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया नहीं, इस समय कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ये चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप इसमें वेक्टर का निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई, ये t1 t2 और t3 तीनों बराबर हैं, अर्थात जितनी देर तक हम v1 स्पीड से चले उतनी ही देर तक हम v2 स्पीड से चले
उतनी ही देर तक हम V3 स्पीड से या V3 वेलोसिटी से चले। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्पीड और वेलोसिटी में आप बार बार अंतर मत जानिएगा, अंतर होता है लेकिन अगर टंग स्लिप हो जाती है तो आप उसे माइंड मत करिएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये कह दें इफ़ T1 बराबर T2 बराबर T3 तो V1 बराबर या V एवरेज बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, चूँकि टाइमिंग सब में सेम है, मान लो वो T डैश है तो यहाँ आप T डैश लिख सकते हैं बटा T डैश प्लस T डैश प्लस T डैश, तो इट विल बी V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू T डैश बाई 3T डैश, ये कैंसिल हो जाएगा और V एवरेज बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। हम इससे ये निष्कर्ष निकाल पाए कि अगर सेम सेम टाइमिंग दी है, यानी इतने सेकंड तक इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से, इतने टाइम तक इस वेलोसिटी से, और टाइम सारे सेम हो, तो आप इस तरह से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा, अगर यही इस तरह से हो जाए, क्या ऐसा हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, अगर ये डी है तो ये भी डी है, यहाँ स्पीड V1 है और यहाँ स्पीड V2 है, या यहाँ स्पीड, यहाँ वेलोसिटी V1 है और यहाँ वेलोसिटी V2 है, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप पुनः उसी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। टाइम इस जगह का अलग होगा, इस जगह का अलग होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी वही है लेकिन चाल अलग है, यहाँ दूरी वही है लेकिन चाल अलग है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ V1 से भाग लगाओगे तो अलग वैल्यू आएगी, V2 से भाग लगाओगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई V1 प्लस डी बाई V2। वी एवरेज इक्वल टू 2D, यहाँ D कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, ये कैंसिल, और वी एवरेज बराबर आ जाएगा 2V1V2 बटा V1 प्लस V2। देखिए यही बात चाल के साथ भी लागू होती है, लेकिन एक स्थिति में चाल के साथ तो लागू हो जाती है परंतु वेग के साथ लागू नहीं हो पाती। कौन सी स्थिति है ज़रा समझ लीजिए। देखिए दूरी या विस्थापन यहाँ पे बराबर था, वही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे। अब ज़रूरी नहीं था यहाँ 3 बार हो सकता था तो यहाँ 3 आ जाता, 4 खंड में दूरियाँ बराबर बराबर होती तो 4 आ जाता, लेकिन 2 में ही मोस्टली आती है, उसका रीज़न ये है। एक फिगर ऐसा हम देख सकते हैं कि एक पिंड यहाँ से चला बी तक पहुंचा और ये डिस्टेंस डी है और फिर यही वापस आ गया। अब अगर हम ये कह दें कि एवरेज वेलोसिटी बताइए तो आप कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि जहां से चल रहा है वहीं लौट के आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कुछ भी लगा लीजिए, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है कि नहीं है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन अगर मैं कह दूं कि औसत चाल बताइए, तो चाल का मसला किससे हल होगा, दूरी से, कुल दूरी, डी गया डी आया, टोटल दूरी कितनी हो गई 2D, जबकि टोटल विस्थापन कितना हो गया 0। यही अंतर है चाल और वेग में। हमने आपसे कहा था कि चाल और वेग उस दशा में बराबर होंगे जब मोशन एक सीधी रेखा में होगी, अगर मोशन एक सीधी रेखा में नहीं है तो चाल और वेग आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2D डी बटा V1 प्लस डी बटा V2, तो एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगी 2D बटा 1/V1 प्लस 1/V2, ये कैंसिल, एंड V बराबर 2V1V2 बाई V1 प्लस V2, ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के लिए फार्मूले थे।
अब आ जाइए तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग को कल जैसा कि हम आपसे डिफाइन करके बता रहे थे कि तात्क्षणिक वेग का एक अर्थ है, क्या अर्थ है? तात्क्षणिक वेग का अर्थ ये है कि हम पर्टिकुलरली उस टाइम का वेग जानना चाहते हैं। तात्क्षणिक वेग का अर्थ है कि हम पर्टिकुलरली उस टाइम का वेग जानना चाहते हैं। कल हम एग्जाम्पल देके आपको बता भी रहे थे। तो ऐसी दशा में हमें एक ऐसे वैल्यू चाल की चाहिए जिसमें टाइम का जो इंटरवल हो बहुत छोटा हो, इतने से इतने गैप के बीच में नहीं, पर्टिकुलरली इतने पर टाइम गैप बहुत छोटा होना चाहिए, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का इक्वेशन होता है उसको लिमिट के अंतर्गत टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलित कर देते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है। औसत, सॉरी, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो ds बटा dt, जहाँ पे अगर ये वेक्टर ले लोगे तो तात्क्षणिक वेग आ जाएगा, और अगर नॉर्मली डिस्टेंस ले लोगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो ds बटा dt, तो ये तात्क्षणिक चाल आ जाएगी। यहीं से क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है, यहाँ से तात्क्षणिक चाल आ जाएगी। अब देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के साथ साथ बदल रही है, उसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि जो यूनिफॉर्म होगा वो टाइम कुछ भी हो वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो टाइम के साथ साथ बदलेगी। इतने टाइम पर कुछ और, आगे वाले टाइम पर कुछ और, फिर किसी टाइम पर जीरो, ऐसा। जैसे हम लोग ये बात करते हैं ना कि एक कण की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, इस पर जरा विचार करिए। एक कण की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, परमानेंट ही है ना। आप कहाँ इसमें ऐसी कोई बात आ रही कि अगले 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी स्पीड? प्रारंभ में कितनी स्पीड थी, 2 घंटे बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? हर मोमेंट में यह आंसर 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि किसी बॉडी की चाल 2t है, जहां t टाइम है, टी क्या है? टाइम है। अब मैं कह दूं कि शुरुआत में कितनी चाल थी एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो था। मैं कह दूं 5 सेकंड बाद कितनी चाल होगी, तो आप कहेंगे सर यहां 5 रख देंगे तो 5 दुनाई 10 आ जाएगा। 6 सेकंड बाद कितना था, तो आप कह देंगे 12। 7 सेकंड बाद कितना था, तो आप कह देंगे 14। कह देंगे कि नहीं कह देंगे? यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है उसका इक्वेशन कभी टाइम से स्वतंत्र नहीं हो सकता, या ये कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म वेग में उसके समीकरण में समय जरूर होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि v बराबर 2 मीटर पर सेकंड, और फिर आपसे कोई पूछे v बराबर 2t मीटर पर सेकंड, में से कौन ऐसा है जो परिवर्ती चाल को या परिवर्ती वेग को प्रदर्शित करता है, परिवर्ती चाल या वेग को प्रदर्शित करता है, तो इसमें क्या बदलेगा आप बताओ? हम कहते हैं 10 मिनट बाद कितनी चाल होगी, बता पाओगे? क्योंकि तुम्हें टाइम को एडजस्ट करने का वहाँ कोई स्थान ही नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि 5 मिनट बाद कितनी चाल होगी, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन इसमें अगर हम आपसे पूछें तो खटाखटा आप आंसर बताते चले जाओगे। तो ये, अब अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं वी को ds अपॉन dt से, ठीक है ना, और v कम से कम इतना है कि उसमें टाइम की सिंगल पावर तो है,
तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वी की जगह टू टी की जगह पे हम कोई वैल्यू के टी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे के टी लिख दूँ तो क्या आएगा, डी एस बाई टी टी डी टी, और यह आ जाएगा डी एस इक्वल टू के टी डी टी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना चाहें, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो आप कहेंगे के टी स्क्वायर बाई टू, आएगा कि नहीं। के टी स्क्वायर बाई टू में अगर के बाई टू हम कोई कांस्टेंट और कंसीडर कर लें के डैश, तो हम विस्थापन के समीकरण में देख रहे हैं कि टाइम की कम से कम कितनी पावर होनी चाहिए, दो। टाइम की कितनी पावर होनी चाहिए, दो, किसके समीकरण में, विस्थापन के समीकरण में। यानी अगर हमें परिवर्ती वेग की दशा लेनी है तो वेग के इक्वेशन में कम से कम टाइम की एक पावर होनी चाहिए, और विस्थापन की कम से कम, विस्थापन की इक्वेशन में टाइम की कम से कम कितनी पावर होनी चाहिए, दो। अब इसको समझिए, इसको डी के एस कह सकते हो, एस माना था आपने। अब इसको समझिए थोड़ा सा और, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन परिवर्ती वेग को प्रदर्शित करता है, एस बराबर के टी, एस बराबर के टी स्क्वायर, एस बराबर के टी की पावर वन बाई टू, सॉरी एस बराबर ओनली के, नन ऑफ दीज। बताना है आपको परिवर्ती वेग। आप सोचिए कि वेग कब आएगा, जब विस्थापन बटा समय करेंगे, यानी जब हम इसका अवकलन करेंगे। करिए जरा, ds बटा dt, ये वेग आ गया, देखिए यही वेग है, तो यहाँ पे खाली k बचा। अब खाली k बचा, इसका मतलब ये है कि वेग टाइम से स्वतंत्र हो गया, किसी भी टाइम पर ये k ही रहना है। और हमने इधर पढ़ा है कि परिवर्ती वेग में कम से कम टाइम की सिंगल पावर बचनी चाहिए, तो इस पर सिंगल पावर कहाँ बचेगी। आप ऐसे समझो ना कि विस्थापन बटा समय, एक पावर तो ये समय काट ही देगा। अगर विस्थापन के पास सिंगल पावर होगी तो सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें टाइम नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं, इसमें बनेगा डी एस बाई डी टी बराबर टू के टी, ये क्या है, चाल है, ये देखिए यहाँ लिखा है, और बचा क्या, 2kt, यानी कोई संख्या और उसके साथ में क्या, टाइम। अब टाइम की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे। हमने देखा कि परिवर्ती वेग पाने के लिए विस्थापन के समीकरण में कम से कम टाइम की डबल पावर होनी चाहिए। जब तक टाइम की डबल पावर नहीं होगी तब तक हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पा नहीं सकते। हाँ, ट्रिपल पावर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ पावर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम पावर ऑफ टाइम मस्ट बी टू इन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड आउट द वेरिएबल वेलोसिटी। परिवर्ती वेग पाने के लिए विस्थापन के समीकरण में टाइम की कम से कम कितनी पावर होनी चाहिए, दो। ये आपको याद करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे वेग हमारे पास बना के टी, या इसको मान लो टू टी, तीन सेकेंड में कितनी स्पीड, आप कहेंगे सर 6 मीटर पर सेकेंड, चार में कितनी 8, पाँच में कितनी 10, छः में कितनी 12, सात में कितनी 14। हर बार क्या हो रहा है बोलो, हर बार स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक प्रॉपर अंतराल पे, हर बार दो दो की वृद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। तो वेग परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। एक इक्वेशन हम और वेग का दे सकते हैं, उसको भी देखिए। जैसे हमने कहा v बराबर इक्वेशन है 2t स्क्वायर, अब जरा t बराबर 2 रखिए तो वेलोसिटी कितनी आई 8, t बराबर 3 रखिए 18, t बराबर 4 रखिए 32। क्या कोई रीजनिंग काम कर रही है, अब वहाँ पे 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, यहाँ 8, 10, 18, 14, 32, कोई रीजनिंग काम कर रही है। वहाँ जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने की दर एक समान है, और यहाँ बढ़ने की दर कैसी है, भिन्न भिन्न है। तो परिवर्ती वेग के भी दो प्रकार संभव हैं, परिवर्ती वेग के भी दो प्रकार संभव हैं।
एक एक समान परिवर्ती वेग, परिवर्ती वेग, और दूसरा कैसा बोलो, असमान परिवर्ती वेग, असमान परिवर्ती वेग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। यानी इसमें वेग परिवर्तित तो हो रहा है परंतु एक निश्चित दर से, इसमें टाइम की कितनी पावर होनी चाहिए, मात्र सिंगल। लेकिन अगर कहीं वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की डबल पावर या ट्रिपल पावर हो गई तो फिर हमें असमान परिवर्ती वेग मिलेगा, और ऐसी मोशन के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करता है। ये जो तुम लोग इक्वेशन पढ़ते हो, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सारे इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये इक्वेशंस इसमें काम करते हैं। इस स्थिति के लिए ये समीकरण ए को लागू नहीं है। अब समझो, एक समान परिवर्ती वेग अगर है, अगर एक समान वेग है तो उसके इक्वेशन में टाइम होगा ही नहीं, लेकिन अगर एक समान रूप से बदल रहा है तो उसके इक्वेशन में टाइम की सिंगल पावर होगी, और लेकिन बदल रहा है परंतु अनियमित रूप से तो टाइम की मोर देन वन पावर होगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि विस्थापन की कितनी पावर होगी, तो वेग के पावर में जस्ट एक बढ़ा देना है, यहाँ विस्थापन की डबल पावर, कम से कम क्या डबल ही होगी, और यहाँ विस्थापन की ट्रिपल पावर। अच्छा, एक समान वेग का मतलब जहां वेग ना बदलता हो वहां टाइम तो आता ही नहीं, तो वहां अगर टाइम नहीं आता तो विस्थापन, चूंकि वहां वेग के इक्वेशन में टाइम की पावर जीरो है इसलिए विस्थापन के इक्वेशन में टाइम की पावर वन होगी, यहां वेग के इक्वेशन में टाइम की पावर वन है तो विस्थापन में टाइम की पावर टू होगी, यहां वेग के इक्वेशन में टाइम की पावर टू है तो विस्थापन की पावर टाइम की पावर थ्री होगी। मतलब वेग के इक्वेशन में जितनी पावर टाइम की होगी उससे एक पावर ज़्यादा विस्थापन की टाइम की पावर में होगी। अगर वेग में टाइम की कोई पावर नहीं है, मतलब वेग एक समान है, तो विस्थापन में सिंगल पावर है टाइम की। अगर वेग एक समान रूप से बदल रहा है, अर्थात वेग के समीकरण में टाइम की सिंगल पावर है, तो विस्थापन के समीकरण में टाइम की डबल पावर होगी। यहाँ पर अगर वेग बदल रहा है अनियमित रूप से तो वेग में टाइम के इक्वेशन में डबल पावर है, तो विस्थापन के इक्वेशन में ट्रिपल पावर होगी। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम मिलेंगे त्वरण के कॉन्सेप्ट लेकर के। थैंक यू सो मच।